जय जोहार, जय आदिवासी दोस्तों। मेरा नाम है अमित वामने आरजे और आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम खतरनाक वाली जगह पे जाने वाले हैं भाई, और आप लोग सोच ही रहे होंगे कि भाई अमित भाई आप इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हो। तो भाई आज हम जाने वाले हैं अपने टांटिया मामा की मूर्ति का स्थापना किया जा रहा है, जो कि मानपुर के पास में बोड़गांव करके गाँव है, वहीं पर आज है तो मूर्ति का स्थापना किया जा रहा है, तो वहीं पर जा रहे हैं। तो आज हम तो खतरनाक वाले आपको तो सीन दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बन रही है। और बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। तो चलो चलते हैं और आपको अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट आपको दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। और अभी है तो मूर्ति का स्थापना तो हो गया है पहले से ही, तो चलो ब्लॉग में बने रहिए, बाकी बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं। भाई आने जाने वाले उनको और इधर देखो भाई, ये यहाँ पे है तो टेंट लगा है, बाकी इधर है तो अपने टांटिया भील मामा जी की मूर्ति का स्थापना किया है, जो कि आपको दिखाई देते हैं भाई। ये वाला है तो मूर्ति का स्थापना किया है जो कि अपने टांटिया भील की, और ये वाला गेट है। तो चलो ऊपर चलते हैं, फिर इसके बाद में दिखाते हैं आगे। और हमारे साथ में है भाई पिंटू भाई। हेलो, हाय। तो ये अपना पिंटू भाई है साथ में, और इधर ये अपने टांटिया मामा की मूर्ति का स्थापना किया है, और अभी हम जा रहे ऊपर। तो चलो चलते हैं और ऊपर ही आपको जाके दिखाते हैं कि क्या सीन है भाई, है ना। तो इधर देखो भाई, हमारे सीधे डाक बंगला के पब्लिक जा रही है भाई। ओके गाइस, तो फाइनली हम आ गए भाई पहाड़ी पे ऊपर, और वहाँ नीचे है तो नीचे से अभी आ रहे हैं, और ऊपर का भाई देखो व्यू काफ़ी तगड़ा व्यू है भाई, और यहाँ से पूरा व्यू दिखता भाई। और इधर हमारे जा रहे भाई हूँ हमारे पब्लिक, तो ये कोई स्कूल है यहाँ पे, और स्कूल के पास में ये तो वही कार्यक्रम लगाया गया है यहाँ पे। तो अभी आपको अंदर ले जाके दिखाते हैं क्या सीन है अंदर, और अंदर का व्यू कैसा है भाई। थक गए भाई ऊपर आके, ये देखो भाई, लुक दिस आउट भाई, लुक दिस आउट, क्या ही सीन है भाई। ये देखो भाई, अभी डांस वगैरह होगा यहाँ पे आदिवासी का, तो यहाँ पे डांस वगैरह होगा ऊपर ही। तो चलो ओ भाई, क्या पब्लिक है रे भाई।
ओके गाइस, तो फाइनली अभी है तो थोड़ा कार्यक्रम देख के तो अभी हम यहाँ पे आ गए, और बाकी सामने तो इधर चल रहा है कार्यक्रम, तो अभी हम इधर थोड़ा आए हैं, इधर दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या सीन है इधर भाई। ये अपने आदिवासी का समाज का जो पेरवास है ना, वही है तो बेच रहे हैं इधर। तो ये सब फूल माला जो अभी मतलब रुमाल वगैरह है, तीर कामटी है, वो सब है तो इधर बेच रहे हैं भैया लोग। ये देखो भाई, कितने का ये? 700 बता रहे हैं। हाँ नहीं सही है ना, क्या होता है? हाँ सही है ना, ये क्या ये छल्ला है? जम रही क्या लग रहा है? अपन भी नाचेंगे ऐसे। ले रहे हो? देख रहा हूँ रे, जनता की जोहार, जिंदाबाद, जय हिंद प्रदेश साथियों। अरे अपन ही टांग लेते हैं यार, क्या करें। ये 50-50 के, और ये है हमने ले लिया 100 का तावील, और इधर है तीर कामटन। ये तीर कामटन और ये कितने का भैया? सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार। साथियों, मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ आप लोगों को। ये गाइस, तो फाइनली हमने भाई ये गमछा ले लिया है, देखो भाई क्या ही मस्त लग रहा है। तो हमने ये वाला गमछा लिया है ताकि और भी अच्छे लगे अपन, तो अभी है तो यहाँ से लिया है। और बाकी इधर देखो भाई, खाना वाना बन रहा है, और सामने ये तो स्टेज पे है, तो भाषण चल रहा है अपने आदिवासी के, तो ही भाषण वगैरह चल रहा है। और इधर है तो खाना वगैरह है, तो अभी बन रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। तो अभी थोड़ी देर में है तो खाना वगैरह बनेंगे, और इधर देखो भाई नाश्ता पानी बनेगा यहाँ पे, मतलब नाश्ता पानी है तो खिलाने का होगा। और देखो भाई पब्लिक कितनी है भाई, ये देखो भाई, इधर देखो हमारे जीजू, जीजू से तो मिले ही नहीं। ले लिया तो ले लिया। हाँ कितने लिया? 100 रुपये में। 100 रुपये? हाँ उनको रख लो यार, कहीं कर रहे कहीं तो निशानी ले जाए। हाँ लग रहे अबे आदिवासी। यो भी रख ली, यो नाचना के लिए मालूम है। हाँ नाचना में काम देगा क्यों? ओके गाइस, तो इधर है भाई अपने टांटिया मामा की मूर्ति है, और देख सकते हो भाई इधर तो कार्यक्रम चल रहा है अभी, और सब खा रहे। ए, देखो भाई योगेश आदिवासी की टीम, मेरा दाहिना हाथ है। हम लोगों ने सोचा है कि एक साल में हम लोग चंदा करके हमारे समाज के चंदे से एक मूर्ति हम मोहित तहसीलदार को, चाहे हमारा भाई किसी भी गांव में रहता हो, भाई हमसे रिक्वेस्ट करता है कि यार हमको यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या चाहे हमको बोले यार यहाँ पे मूर्ति बिठाना, तो हम वहाँ पे एक साल के अंदर एक मूर्ति बिठाने का हम आश्वासन देते हैं, और हम उनकी बात पे कायम भी रहेंगे, इतना विश्वास देते हैं उसको हमारे भाई को अपने आदिवासी के लिए ना। हाँ क्योंकि वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे कभी हमारी समाज के हमारे महापुरुष की एक मूर्ति एक गांव में लग गई, तो समझ लो कि आने जाने वाला हर इंसान ये पूछेगा यार मूर्ति किसकी है। किसी गांव में अभी तक ये नहीं है कि इस गांव में
कौन है क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। हमारे ही गांव के अंदर हम सर्वे करेंगे भी तो 5000 घर है, 5000 घर में से अभी 2500 लोग ही जानते हैं कि ये टंटे भील है, ये बिरसा मुंडा है, ये राणा कुरकू, ये बाबा साहेब है, क्योंकि हमारे लोगों को इन पाखंडीवाद लोगों ने हमारे बाप दादा के बारे में अभी तक बताया नहीं, हमारे महापुरुषों को इन लोगों ने सम्मान दिया ही नहीं है। तो यही चाहते हैं कि हर गांव में हमारे बाप की मूर्ति बिठाए, वो है टंटा भील, हम लोग उनके विचार पे चले, जल जंगल जमीन बचाना ही हमारा कर्तव्य है, हम हमेशा लड़ेंगे और जीतेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश। ओके गाइस, तो फाइनली भाई अभी हमने तो बहुत सारा एंजॉय कर लिया और हमारे टंटे मामा की है तो मूर्ति का स्थापना भी हो गया है। तो चलो अभी इसको वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। तो जय जोहार, जय आदिवासी।